हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम टू ग्लोरियस जिंदगी। वेल, तो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे ये वॉल शेयर की थी कि किस तरह से इसका लुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और मैंने इसको सिर्फ 30 रुपये का डिस्टेम्पर यूज़ करते हुए एक नया लुक दिया है। आप इससे बेटर दे सकते हैं, मुझे जो समझ आया मैंने किया, बट इसमें सिर्फ खर्च मेरा 30 रुपये का ही आया। तो अभी क्या है, मैं सोच रही हूँ इसको कुछ थोड़ा सा डेकोर किया जाए। तो वैसे तो मैं इसके लिए कुछ और DIYs बनाऊंगी, बट वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इमीडिएट क्या है, जो मेरे पास DIYs हैं उन्हें यूज़ करते हुए मैं इन पर जो है डेकोर कर रही हूँ। और मैं और भी DIYs यूज़ कर सकती थी, बट जो इस टाइम मुझे ईजिली मिल गए मेरे पास रखे हुए ऊपर ही, और बाकी इधर उधर रखे हुए हैं, तो उनको ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये बॉल्स थी जूट्स की कुछ, तो मैंने इनको पहले आपसे शेयर किया है, और तब ये गोल्डन मैंने इन पे कलर कर दिया था जूट की डोरी पे, तो वो अब मैंने इन्हें मल्टी कलर कर लिया, राइट। तो अभी ये कुछ मैंने फिशेस जो हैं कट कर ली हैं कार्टन बोर्ड यूज़ करते हुए। तो मुझे क्या है ना कि हमेशा जब ज़ीरो बजट या ज़ीरो कॉस्ट DIYs बनाना होते हैं, तो मैं पेपर, कार्डबोर्ड और जो मतलब बचे हुए कपड़े होते हैं उनको यूज़ करके बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें। तो अभी ये मैंने फिशेस जो है ये कट कर ली हैं, और इन्हें मल्टी कलर इन्हें भी इस तरह से कर लिया है। और अब इनकी आँख जो है बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा ये राउंड शेप मिरर यूज़ कर रही हूँ। रीज़न वही कि जब ये धूप में होंगी तो थोड़ा सा चमकेंगी, थोड़ा अच्छा सा लुक आएगा। तो ये कुछ फिशेस तैयार कर ली हैं मैंने, राइट। अभी जो है कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से तैयार हैं, मैं वो जो उनको यूज़ करूँगी। ये देखिए इसका अच्छा सा लुक आ गया सारी फिशेस का। अब ये जूट प्लेट्स हैं, कैसे हैं ये, मैंने इनको थर्माकोल की जो प्लेट्स होती है ठंड ज़्यादा ही हो रही, लग रहा मेरी ज़बान ना कट गई। तो थर्माकोल की जो प्लेट्स होती हैं उनको यूज़ किया है बेस के तौर पर, और ऊपर से ये सुतली मैंने लपेट ली है। ये मेरे पास पूरा एक वीडियो था, मैंने 2 प्लेट्स और तैयार की थी लेकिन वो कहीं मिस हो गया, मिल नहीं रहा है, और ये एक प्लेट इनकम्प्लीट रह गई थी, तो ये मैं आपके सामने अभी कंप्लीट कर रही हूँ। आजकल सारे काम धूप में बैठकर हो रहे हैं और इसलिए कुछ अच्छा सा वो नहीं हो पा रहा, मैंने ऐसे ही पैरों पर रख लिया है। तो ये प्लेट्स मैंने तैयार कर ली हैं, इनको मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और मतलब कुछ एकदम ना चाहते हुए भी जो मैंने चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे किए यहाँ लगाने के लिए, वो कुछ जूट और केन की तरफ को ही चले गए सारे। बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अरे तो सारे ऐसे उसमें हो गए। फिर मैंने उनको कर भी दिया कि चलो फिर से चेंज कर देंगे और फिर कुछ दूसरे तरह के DIYs या कुछ और डेकोर आइटम यूज़ कर लेंगे। ये एक फ्रेम है, ये भी मैंने आपसे पहले शेयर किया है, कार्टन यूज़ करके और जूट रोप यूज़ करके मैंने बनाया था और काफ़ी पसंद आया था सभी को ये। तो ये एक मैंने फ्रेम यहाँ पर यूज़ किया है। अब ये केन के कुछ मेरे पास इस तरह के वो पड़े हुए थे, मैं इसमें कुछ फ्लावर बंचेस बाद में डाल दूँगी, या कुछ जो है इस तरह से कोई भी चीज़ ऐसे रख सकती हूँ कि जिससे अच्छा लुक आ जाए। फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर इनको लगा दिया है। तो एज सच मैंने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए हैं, आप देख ही रहे हैं कि कुछ ज़्यादा DIYs यहाँ के लिए तैयार किए हूँ, लेकिन करूँगी और वो जल्दी ही आपसे शेयर भी करूँगी। तो ये लगा लिए हैं मैंने। अभी क्या होता है ना, दिन भर मैं धूप में बैठी हुई, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो यहाँ अच्छा लगता है, थोड़ा सा खुद को भी अच्छा लगता है, आसपास लोग होते हैं वो भी दूर से अप्रिशिएट करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें मैं जानती नहीं, नाम नहीं, कभी सामने आमने नहीं मिले, बट वो अपनी छत से ऐसे हाथ कर देते हैं कि भाई यहाँ अच्छा लग रहा है, ऐसे कुछ भी थम्स अप या कुछ भी, तो वो मुझे बहुत, जिसे कहना चाहिए, अप्रिशिएटिंग लगता है और बहुत अच्छा लगता है। इवन उन्हें ये भी नहीं पता कि मेरा कोई चैनल है, मैं वो करती हूँ, कुछ नहीं, बस उन्हें ये लगता है कि हाँ मैं कुछ डेकोर कर रही हूँ, और वो वहाँ से अप्रिशिएट करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये फिशेस जो है मैंने यहाँ पर लगा ली इस तरह से। अब ये ओवल शेप जो है, मैंने कहा ना कि मैं ऐसा चीज़ बहुत ज़्यादा कुछ ना करते हुए जो है फटाफट वही यूज़ कर रही हूँ कि भाई चलो हाँ ये एक चीज़ अभी कंप्लीट हो, उसके बाद देखते हैं इसके हिसाब से कुछ अच्छे से DIYs और तैयार करेंगे। अभी दूसरी साइड की वॉल है, उस पर मैं जो है उस पर भी काम शुरू कर चुकी हूँ, तो पूरा एक अच्छा सा सबका ये लुक आ जाएगा। या मे बी मुझे लगता हो, आप लोग ना लगता हो, जो भी है जैसे भी, बट मैंने किया। अभी यहाँ थोड़ा सा मुझे ऊपर करने में दिक्कत हो रही थी तो बेटे से हेल्प ली। तो यहाँ ये मैं प्लेट्स इस तरह से लगा दूँगी, इनका प्लेट्स का लुक बहुत अच्छा सा यहाँ आ गया। काफ़ी सारी मैं बनाने की सोच रही थी, कुछ DIYs ऐसे होते हैं ना आपके बीच में रुक जाते हैं, आप भूल जाते हो उन पे काम करना कि भाई अरे वो भी,
तो वो यही हुआ और मैंने ये 3 प्लेट्स ही तैयार की, अभी एक तो आपके सामने ही शेयर की है। इस पर मैं खुद ही लगा रही हूँ ये नेल, इस तरह से नेल मैंने इसलिए लगा दी, डबल साइडेड टेप आप यूज़ करते हो ना तो थोड़ा सा हैवी है और बार बार गिरेंगी तो फिर वैसा रहेगा। अब ये तो इनका धूप में दिन में लुक आ रहा है, अब यहाँ मैं टेबल चेयर वगैरह डाल लूँगी, कभी चटाई बिछा लेते हैं हम लोग, कभी मतलब कैसे भी अलग अलग तरह से चीज़ें करके बैठने का मूड होता है, कुछ है कभी बीन बैग्स डाल लिए, कैसे भी तो थोड़ा अच्छा लुक आता है, लगता है जो आता है वो भी यहीं बैठ के चाय नाश्ता आराम से धूप में कर लिए, वही अंदर कमरों में नहीं जा रहे हैं, ठंड हो रही है। तो ये अब ये रात का लुक है। रात में क्या होता है, हम लोग ऊपर जैसे वो बोलते हैं ना प्लास्टिक शीट होती है या फिर वो एक क्या त्रिपाल टाइप मतलब हैवी कपड़े होते हैं वो ऊपर से डाल दिया तो ओस वगैरह से बच जाते हैं। और सामने मैंने आपसे एक कर्टन वाला शेयर किया है वो लगा लेती हूँ, तो जिस दिन जैसे ज़्यादा धूप होती है और रात में ज़्यादा ठंड नहीं है तो उस वक्त क्या होता है, क्योंकि अभी इतनी उस तरह की ठंड हो भी नहीं रही है तो वो लगा लेती हूँ कर्टन्स, तो थोड़ी बहुत हवा भी रुक जाती है। ऊपर से कवर करने के बाद यहाँ आंगन में हम लोग बैठ जाते हैं, थोड़ी सी आग जला ली या कभी कुछ ऐसे इस तरह की कोई डिशेस बना रहे हैं कि भाई लकड़ियाँ जला कर ही बनाना है तो अच्छा लगता है, मतलब साइड में अच्छा सा सब कुछ डेकोर हुआ हुआ है, लाइट जल रही है और इधर हम लोग अपने कुछ ना कुछ या वैसे ही बैठ गए मूँगफलियाँ खा रहे हैं, वो कर रहे हैं बातें, बाहर से बाहर ही मूँगफली वगैरह का कचरा कूड़ा जो होता है तो वो हो जाता है, तो थोड़ी देर बैठ गए अपने रात के वक्त खाना वाना खा के, तो उससे बहुत अच्छा लगता है और ठंड से भी बचे रहते हैं। ऑब्वियसली शॉल्स वगैरह तो कैनल लुक आप देख रहे हैं लाइट्स के साथ कैसा आ रहा है, और दिन का मैंने आपको दिखा ही दिया और आगे जो भी वीडियोस होंगे वो मैं शेयर करूंगी, तो आप पूरा देखते रहेंगे साइड वाली वॉल्स का भी इधर का भी। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़े सब्सक्रिप्शंस की अभी और ज़रूरत है तो प्लीज़। हाँ ये है कि मेरे वीडियो थोड़े लेट हो रहे हैं, एक कॉन्टीन्यूटी में नहीं आ पा रहे हैं तो ड्यू टू सम वर्क्स एंड लाइबिलिटीज़ जो भी हैं उस वजह से, बट मैं धीरे धीरे उसको एक वो देने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ठीक टाइम पर मैं वीडियोस अपलोड कर सकूँ। ये फिशेस बहुत प्यारी लग रही हैं बट कैमरा में इतना अच्छा शायद नहीं आ पा। चलिए तो ठीक है, आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय। Thank you.